खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चलाया अभियान। राजधानी दिल्ली में तमाम सामाजिक संगठन और सिविक एजेंसियों द्वारा नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान छेड़ रखा है, ताकि लोगों को नशे के प्रति जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रखा जा सके। इसी फहरिस्त में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले किशोरों व युवाओं को नशे व अपराध से बचाने के लिए भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाहरी जिला दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लाडली फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के सौजन्य से जोश नाम से एक बहुत ही अनूठी पहल की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 1000 से अधिक युवाओं को विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस के माध्यम से चिन्हित करके पहले 3 महीने से उन्हें बोलीबाल, योग व फिटनेस डांस के परीक्षण द्वारा उन्हें शाम के समय नशे की आदत व आपराधिक गतिविधियों से दूर रखा जा रहा है। कार्यक्रम में अंतर्गत ही बाहरी जिला DCP ऑफिस के वॉलीबॉल कोर्ट में एक विशेष टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त परमिंदर सिंह द्वारा टॉस करके इसकी शुरुआत की गई। साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त आनंद कुमार मिश्रा द्वारा युवाओं से मिलकर उन्हें नशे की राह को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया एवं अपने अनुभव साझा किए। साथ ही खेल अनुशासन टीम की उपयोगिता एवं समाज में उनकी व उनके परिवार की प्रतिष्ठा का महत्व भी समझाया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के युवा कार्यक्रम के माध्यम से उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर एक अच्छी नौकरी दिलाने के लिए भी हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अश्मिता थिएटर द्वारा विशेष नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। भारत दिल्ली समाचार 24। ये दिल्ली पुलिस के युवा इनिशिएटिव के तहत एक युवा जोश प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ मिलके। इसमें बच्चों को स्पोर्ट्स के थ्रू या गेम्स के थ्रू डेलिंक्वेंसी से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इसमें ऐसे इलाकों के बच्चे चूज़ किए गए हैं या ऐसे इलाकों में इस इनिशिएटिव को लिया गया है जिनमें कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही है बच्चों के डेलिंक्वेंसी की, या तो ये कहें कि वो क्राइम में लिप्त हो जाते हैं कम उम्र में, या फिर ड्रग्स वगैरह के अब्यूज़ में लिप्त हो जाते हैं। तो क्या मकसद है सर इस तरह के जो इनिशिएटिव आप लोग कर रहे हैं? इस इनिशिएटिव का मकसद जैसा मैंने बताया था जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को कम करने का है। छोटे बच्चे अगर उनको शुरू से ही पॉजिटिव तरीके से स्पोर्ट्स में या गेमफुली इम्प्लॉय किया जा सके और उसके बाद उनको धीरे 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 उनकी ट्रेनिंग करा के वोकेशनल उनको जॉब वगैरह दिलवाई जा सके, इसके पीछे हम लोगों का मेन मकसद है। ऐसा करने से ना सिर्फ ये बच्चे क्राइम की दुनिया में नहीं जाएंगे बल्कि इनके आसपास होने वाली या हो रही गलत हरकतें जो हैं उनके बारे में ना सिर्फ ये हमें रिपोर्ट दे सकते हैं बल्कि उनसे दूर भी रह सकते हैं, खुद को परिवार को भी ये सपोर्ट दे पाएंगे। जिन बच्चों की पढ़ाई छूटी है उनको हमारी तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि उनके पेरेंट्स को एनकरेज करके उन बच्चों को स्कूल में वापस एनरोल भी कराया जा सके। सर खासतौर से आज की युवा पीढ़ी नशे के जंगल में फंसती जाती है, कारगर साबित होगा? ये एक कोशिश है, इसके रिजल्ट तो कुछ टाइम में ही दिखेंगे क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है कि इसको आज किया तो कल से ही इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे जैसे मैच चल रहा है आउटर डिस्ट्रिक्ट में हमने अभी तक लगभग 100 बच्चों को एनरोल किया है सिर्फ इसी प्रोग्राम में। ये स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों को पॉजिटिवली लाइफ की तरफ या फिर ये कहें कि पढ़ाई लिखाई की तरफ उनको स्पोर्ट्स के थ्रू उनको जॉब दिलाने के लिए उनको ओरिएंट करना, इस तरीके के ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसके जो नशे के खिलाफ एक जंग एक मुहिम जो छेड़ी है ये कब से शुरू, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ड्रग्स पर एक्शन पुलिस हमेशा से ले रही है और काफ़ी टाइम से इस पर स्ट्रेस भी है। अभी हमने कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स के साथ ड्रग्स का कारोबार है, अगर दिल्ली की बात करें तो सर काफ़ी फल फूल रहा है ऐसे इनिशिएटिव।